कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीनतम प्रोजेक्ट पेरिस सिटी का भूमि पूजन रविवार 7 मई 2023 को सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विक्की कुकरेजा मुख्य अतिथि के रूप में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, अभिनेता एवं सांसद मनोज तिवारी, वन एवं सांस्कृतिक मामलों में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनील केदार, पूर्व राज्यसभा सदस्य अजय संचेती एवं कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर के सदस्य मौजूद रहे। मध्य भारत के प्रमुख रियल स्टेट डेवलपर में से एक कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर के आज नए प्रोजेक्ट जिसका नाम है पेरिस सिटी, आज उसका भूमि पूजन कार्यक्रम यहां पर संपन्न होने वाला है। तो आज हम यहां मौजूद हैं, चंद ही पल में यहां पर प्रमुख अतिथि जिनमें नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो बने रहिए इस खबर के साथ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों के आगमन के साथ ही रिबन काट कर शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वल के बाद कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर के परिवार एवं सदस्य द्वारा अतिथियों का शाल एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसी के साथ ही कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर के जाने माने नाम विक्की कुकरेजा ने अतिथियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवरों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ ही कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए प्रोजेक्ट पेरिस सिटी के बारे में उन्होंने अधिक जानकारी साझा की। जिन्होंने मुझे राजनीति के हर कदम पर आगे बढ़ने की किस तरीके से काम करना है सिखाया, ऐसे आदमी गिरीश कुमार जी हमारे परिवार के बड़े, जिनके संस्कार हमें मिले हैं, दादा अभिमन्यु खंडे जी दादा जी, लेकिन उनके एक रिश्तेदार आए हुए थे, जैसे मेरा परिचय कराया नागपुर से है, तो आप गडकरी साहब की शहर का है, नागपुर बोले में गडकरी साहब का नाम, यह निश्चित तौर पर जम्मू से लेकर कश्मीर तक के जो एक्सप्रेस हाईवे जो आपने दिए हैं, चाइना से इंडिया ज्यादा आगे निकल गया, सिर्फ आपकी स्पीड के कारण हम उसी श्रृंखला को नागपुर में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो सीख जो हमको आपने दिया है अच्छा काम करने की, वह काम करने का प्रयास करते हैं। आप कई बार लोग तो बोलते हैं छोटे यूनिट बनाइए, पेरिस सिटी आधुनिक वास्तुकला और लग्जरी लिविंग का एक आदर्श मिश्रण है, जिसमें विशाल अपार्टमेंट है जो निवासियों को परम आराम और आराम प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। टावरों को नागपुर में आधुनिक जीवन स्तर को फिर से परिभाषित करने और शहर की हलचल के बीच निवासियों को एक शांतिपूर्ण नकल स्थान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सुंदर जगह पर अब उत्तर नागपुर के लोग भी रहने आ सकते हैं, क्योंकि कमाल चौक से 1000 करोड़ रुपए की लागत का बनाया जाने वाला फ्लाईओवर इसी बिल्डिंग के पास ताजबाग में उतरेगा, जिससे अब महज 5 से 6 मिनट के अंदर ही जरीपटका से लोग यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने नागपुर की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाले अन्य कई प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी साझा की। साउंड प्रदूषण ये बिग कंसर्न है, तो इस बिल्डिंग के परिक्षेत्र में
एयर पोल्यूशन के हिसाब से ऐसे पेड़ लगाए जो तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषित करते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ का पोल्यूशन भी कम होगा और यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा जीवन स्तर भी प्राप्त होगा। बहुत अच्छा प्रयास नितिन मुखर्जी ने इस कॉलेज इस बिल्डिंग के निर्माण में किया है। बहुत अच्छा डिजाइनिंग है, क्वालिटी अच्छी है, जो जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यूज करके है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज भी अच्छा चलाया। मैं अभी उनको बता रहा था कि रिसोर्सेस ये भविष्य का कैपिटल नहीं है, इनोवेशन, क्वालिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये रिसोर्सेस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे पेरिस सिटी में ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है जैसी कहीं भी नहीं, जिनमें एम्फी थिएटर, गेज बॉक्स, पेग्रोलस योग लॉन, जैविक उद्यान, जैन गार्डन, फवारे, उत्सव लॉन, बच्चों के खेलने के क्षेत्र आदि के साथ साथ एक विशाल पोडियम, इनमें वातानुकूलित इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, बैंक्वेट सुविधा, लॉन्च झिलमिलाता इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, एक अत्याधुनिक आधुनिक व्यायामशाला, अतिथि स्वीट, भाप और सोना थिएटर गेम जोन के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा अल्ट्रा शानदार क्लब हाउस भी मौजूद है। इसी की सराहना करते हुए वन एवं सांस्कृतिक मामलों में मंत्री सुधीर मुनगटीवार ने इतने बड़े कार्य के सफलतापूर्वक भूमि पूजन किए जाने पर कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर के परिवार एवं सदस्यों को बधाई दी। वो पानी को हाथ लगा दिया तो देश का सबसे अच्छा फाउंटेन चुटाला के नाम से जाता है। अगर वो पहाड़ को हाथ लगा दिया तो सबसे लंबी तनेर बन जाती है। कच्चे भट्टी को हाथ लगा दिया तो सुपर हाईवे बन जाता है। अब काले नेता को हाथ लगा दिया तो वो नेता बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का हाथ इस निर्माण कार्य में लगा है तो मेरा विश्वास है कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल अभिनेता एवं दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं भविष्य में नागपुर के लिए काफी बड़े आकर्षण का केंद्र बनने वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत में शामिल हूँ। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने पेरिस सिटी प्रोजेक्ट के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। थोड़ा समय ये गाना और फिल्म के कारण मैं बाद में मराठी बन गया, तो मेरा घर मुंबई में है और आजकल मैं दिल्ली का सांसद हूँ। सांसद बनना बहुत थोड़े समय में लोगों में कई बार सांसद बनने के बाद बड़े से बड़ी जो शख्सियत होती है वो उसके प्रति आकर्षण कम भी हो जाता है, इतना खतरनाक रास्ता है ये। लेकिन अगर मैं 2 साल के बाद भी अगर अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी इमेज में हूँ तो उसके कारण नितिन गडकरी सर। हमारे क्षेत्र में भी आप सबको पता नहीं होगा, हमारे क्षेत्र में भी सड़क के ऊपर सड़क और उसके ऊपर मेट्रो बन रही है। आरके एसोसिएट्स के प्रधान वास्तुकार राहुल कुमार ने बताया कि दिल्ली स्थित एक प्रमुख वास्तुशिल्प फर्म जिसमें ताज होटल जैसी कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। उन्होंने बताया कि हमने इससे पहले नागपुर में टाटा कैपिटल्स की तरह कुछ प्रमुख परियोजनाएं की है जिनमें हाइट्स, IIAM नागपुर, VR मॉल आदि, लेकिन कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर का पेरिस शहर अब तक का हमारा सबसे रोमांचक शहर परियोजना है। पूरी तरह से विश्व स्तरीय विलासिता की पेशकश करने के लिए प्रमोटरों की दृष्टि से समते 10 एकड़ भूमि पार्सल ने हमें अपने काम में बेहतरीन मील का पत्थर तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। यह अब तक की मध्य भारत की सबसे असाधारण आवासीय परियोजना होगी।
साथ ही आरके एसोसिएट्स के प्रधान वास्तुकार राहुल कुमार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को आधुनिक भारतीय परिवार की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। स्थायी जीवन और विलासिता पर ध्यान देने के साथ हमें विश्वास है कि पेरिस सिटी नागपुर के रियल एस्टेट बाजार में एक नया मानक स्थापित करेगा। इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज इन सेंटर ऑफ इंडिया एंड इट्स गेटिंग मोर एंड मोर important projects. So we are very grateful that we got an opportunity to design this 10 acre of very high quality residential development in the heart of town. And the wonderful part of it, as you see behind me, is a very long landscape green which the residents can enjoy, overlooking trees and a wonderful landscape deck, perhaps one of the largest in the city. And it'll be one of the best रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स इन नागपुर। मैंने हिंदी में नहीं बोला, मैं आप हिंदी में पूछे तो मैं हिंदी में बोलूँ। पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में आई वुड से कि कुछ 6-1 महीने लगे हमें करने के लिए, और बनने में 2 फेज में बनेगा, बट टिपिकली कंस्ट्रक्शन टेक्स अ गुड अप्रॉक्सीमेटली 5 years. इट डिपेंड्स ऑन construction techniques and other factors, but approximately it takes around 5 years to build because it's a tall project, basements, then parking levels are high, and then of course har tarah ke ideas aate hain. Design pehle concept banta hai, fir schematic banta hai, so wo ek iterative process hai aur sabke inputs aate rehte hain, so kabhi keh nahi sakte ki ye ho gaya. It's a evolving process and we are very happy that all the inputs we got from Kukreja Infrastructure and the whole team, including their project management team, site team, marketing team, all those have been captured. और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आज, वो उसका एक amalgamation है सारे inputs का। इसी के साथ ही मुख्य अतिथि नितिन गडकरी एवं गणमान्य व्यक्तियों के हाथों भूमि पूजन कर कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण मील के पत्थर पेरिस सिटी की शुरुआत की गई। पेरिस सिटी, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को अपनी आगामी परियोजनाओं के माध्यम से असाधारण जीवन अनुभव प्रदान करना है।